पंजाब हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली इन्फ्लुएंशियल भाग पूरी दुनिया में। इंडिया को कई बार सिर्फ पंजाब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। पहला है ग्रेटर चंडीगढ़ एंड मोहाली रीजन डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो दोनों शहर हैं ये चंडीगढ़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और साल दर साल इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी से कोप अप करने के लिए दी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या GMADA की स्थापना की गई थी। इसके लिए मोहाली, जीकरापुर, देराबस्सी और करार इन जैसे आसपास के शहरों में कई सारे डेवलपमेंट प्लान किए जाने वाले हैं, जिसके अंदर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी चंडीगढ़ में बढ़ रही IT इंडस्ट्री के हिसाब से किए जाने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स। दोस्तों अगर सेपरेटली इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मेन जो ग्रेटर मोहाली एरिया होगा वहाँ पर जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के रोड्स को वाइडन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स को भी नए तरीके से बनाया जा रहा है, एक नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी डेवलप किया जा रहा है। जीकरापुर की बात करें तो इसका मास्टर प्लान 5,285 एकर्स में फैला है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस डेवलप किए जाएंगे। डेराबस्सी की बात करें तो यहाँ पर भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर 3,082 एकर रेजिडेंशियल होगा जबकि 1,100 एकर कमर्शियल होगा। इसमें 12 बहुत बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। करार की बात करें तो यहाँ पर 7,832 एकर में ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएगी। 2024 तक ये जितनी भी ज़मीन रिजर्व की गई है इस पर एक्चुअल में काम शुरू हो जाएगा। IT पार्क की बात करें तो TCS जैसी कंपनीज जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी और यहाँ पर 7,000 लोगों को एम्प्लॉय करती थी, ये अपनी कैपेसिटी अगले साल के मिड तक और 3,000 लोगों से बढ़ाने वाली है। साथ साथ कई और कंपनीज़ ने यहाँ पर अप्लाई किया है जो अपनी इंडस्ट्रीज और अपने ऑफिसेस यहाँ पर सेटअप करना चाहती है। आगे जाकर इस शहर की बढ़ती आबादी के लिए 2025 तक इस सारे शहर की ज़्यादातर इमारतें आपको तैयार नज़र आ जाएगी। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर हाईवे। दोस्तों इस हाईवे का नंबर रखा जाएगा NH 754K। ये वैसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये टोटल 1,316 किलोमीटर लंबा है और ये हमारे देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स में से पास होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा हमारे देश का जो 3 मेजर रिफाइनरीज को जोड़ेगा, जिसमें भटिंडा, बारमेर और जामनगर वाली रिफाइनरी शामिल होंगी। इसका कुछ अलाइनमेंट ग्रीनफील्ड होने के कारण शहर के बाहर है जबकि कई सारा भाग ब्राउनफील्ड में बनाया जा रहा है ताकि शहर के अंदर की भी कनेक्टिविटी मेंटेन की जा सके। ये भारत माला के अंदर आने वाला प्रोजेक्ट है और NIFF इसे फंड कर रही है। इस हाईवे के बन जाने के बाद में आज का जो डिस्टेंस होगा अमृतसर और जामनगर के बीच का वो 10% कम हो जाएगा। करेंट स्टेटस की अगर बात करें तो फरवरी 2020 में इसका काम बहुत तेज से जारी था, मई में लॉकडाउन के चलते इसका काम रोक दिया गया था, लेकिन अगस्त में इसका काम फिर से रिज्यूम कर दिया गया है और अच्छे खासे पेस पर जारी है। 2023 तक ये एक्सप्रेसवे हमारे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगला है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों देश में तो वैसे कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, कई जगह पर इस तरह के काम हो रहे हैं और ये उन्हीं में से एक है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 सिटीज़ को जोड़ते हुए बनाया है। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये कई सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से जाता है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था 20 जनवरी 2014 को और इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बताई गई थी वो थी 5,749 करोड़ रुपए पहले फेज के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसके कारण लाखों जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। दोस्तों इसमें जो 20 शहर होंगे उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे सारे स्टेट्स की अलग अलग सिटीज शामिल होंगी। ये शुरू होगा लुधियाना पंजाब से और जाकर ख़त्म होगा धनकुनी कोलकाता के पास में। ये टोटल 1,839 किलोमीटर लंबा होगा और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलाइनमेंट के बगल में भी ये दौड़ेगा। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री सेटअप होने की उम्मीद है और इसी कारण लोकल इकोनॉमीज जो इन छोटे शहरों में आज एक छोटे लेवल पर है वो आगे जाकर बड़े सिटीज़ के लेवल पर इस कॉरिडोर के कारण पहुँच जाएगी। अगला है लुधियाना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। दोस्तों लुधियाना में वैसे फंक्शनल एयरपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है लेकिन इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक नए टर्मिनल की प्लानिंग की गई है। दोस्तों ये टोटल टर्मिनल जो होगा वो 135 एकड़ में फैला होगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। इसके अंदर एक कार्गो टर्मिनल भी मौजूद होगा और GLDA ने इस एयरपोर्ट के लिए मार्च 2020 तक लैंड एक्विजिशन का काम पूरा कर लिया है।
इस एयरपोर्ट की कंप्लीशन डेट 2023 की बताई गई है और इसके बाद में पैसेंजर ऑपरेशंस नए टर्मिनल से इस एयरपोर्ट के लिए शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बनने वाला टर्मिनल है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अभी नए टर्मिनल्स में बनाई जा रही है वो सारी की सारी आपको लुधियाना में भी नज़र आएगी। दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी एक तो प्रपोज्ड है, प्लानिंग फेजेस में है, कुछ का अलग लेवल पर काम चल रहा है, तो उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो पहला है अमृतसर चंडीगढ़ हाइपरलूप, इसके बाद में है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हम सब जानते हैं कि जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है और ये पंजाब में से भी गुजरता है। बाद में है जलंधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसके बाद में है हृदय प्रोजेक्ट अमृतसर के लिए, इसके बाद में है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृतसर, बेसिकली अमृतसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। इसके बाद है जलंधर अजमेर एक्सप्रेसवे, अमृतसर बठिंडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो सारे के सारे पंजाब में से गुजरेंगे। इसके अलावा टोटल 3 फूड पार्क्स का काम भी पंजाब में जारी है। तो दोस्तों इसके कारण आप समझ सकते हो कि पंजाब में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आज बन रहे हैं जो आगे जाकर पंजाब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करेंगे और उसकी इकोनॉमी को बाकी स्टेट्स के साथ जुड़ने में भी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।